और यहाँ के आने वाले 2024 में और 2022 में एशियन खेलेगा। और अब ये गाँव का एक अलग से पता लग गया पैरालंपिक भी कोई गेम है, ये खेल खेलना दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। सर बच्चे ने ओलंपिक में जाना बहुत बड़ी बात, बच्चा ओलंपिक में पहुँचा बहुत बड़ी बात है, क्या कहेंगे सर इसको? ये ओलंपिक में क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है और उस चीज़ के लिए हमको इस बात का वो नहीं है, चौथे नंबर पे आया बहुत अच्छी बात है। हमारा बेटा 20 साल का है और खिलाड़ी जो 20 25 32 36 37 साल के हैं उससे पावर बढ़ती है। जब हमारा बेटा 24 साल का हो जाएगा 2024 का ओलंपिक अपने नाम करेगा। ये तो आपकी शुरुआत थी सर, ये तो पहला ही शुरुआत थी, पहली बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे भाई ने अभी भी फोर्थ स्थान प्राप्त किया जी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और केवल 50 सेंटीमीटर से ही वो पदक से दूर रह गए हैं, उसका हमें थोड़ा सा नर्वस है और थोड़ा दुख भी है जी, लेकिन उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनके लिए हृदय तल से साधुवाद भाई को धन्यवाद। देखिए भारत की जो है नवदीप जो है आज पैरालंपिक में गोल्ड मेडल के लिए खेल रहे थे, भले ही वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो है नवदीप ने दमखम दिखाया, उसके लिए पूरा गांव जो है नवदीप की तारीफ़ कर रहा है। और उनके पिताजी है वो देखिए पूरा गांव है यहां पर इकट्ठा हुआ है, 50 मीटर की दूरी पर जो है वो रह गए गोल्ड मेडल हासिल करने में, और चौथे स्थान जो है नवदीप ने जो है पैरालंपिक में हासिल किया है। तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पर जो है नवदीप के घर पहुँचे थे, गांव बुआना लाखू में जो है पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। आज पैरालंपिक में जो है नवदीप देश के लिए खेले, हालांकि वो गोल्ड मेडल जो है बहुत अच्छा किया, आप भी ने पहली बार जैसे ये बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा और अच्छा हाँ, लेकिन संघर्ष लगातार जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा जी, मेहनत और आगे ज़्यादा मेहनत करेंगे। शुरुआत है आगे, ये शुरुआत है, इसके भी पहली बार गा है, उसमें थोड़ा हो जाता है, ये बाकी सब सीनियर है, एज भी कम है इसकी 20 वर्ष, ये 40-40 साल के जो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाए है थोड़ा। तो अगली बार जो है अगली बार फल उससे जाए मतलब तैयारी अगले गोल्ड लेकर आएगा। जो नवदीप है बताया गया कि बहुत मेहनत है और ज़मीन से लगातार वो जुड़ा है। हाँ जी ज़मीन से जुड़ा सर, वो करता था अरे मेहनत जगह भी नहीं रोला, स्टेडियम कई कई घंटे अभ्यास करता था सुबह शाम 4-4, 5-5 घंटे। तो नवदीप के जो ग्रामीण हैं जो उनसे भी बातचीत हुई, देखिए भले ही नवदीप इस बार जो है गोल्ड मेडल नहीं ले पाया लेकिन अगली बार जो है नवदीप देश के लिए खेलेगा और गोल्ड मेडल ज़रूर लेकर आएगा। तमाम जो परिजन हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, नवदीप के जो पिताजी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, सभी का ये कहना है कि भले ही नवदीप इस बार जो है देश को गोल्ड मेडल नहीं दिला पाया लेकिन अगली बार जो है देश के लिए गोल्ड मेडल नवदीप ज़रूर लेकर आएगा। आज जो है पैरालंपिक में जो है देश के लिए नवदीप जो है खेले, उनके घर उनके गांव की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, गांव बुआना लाखू में जो है तमाम जो ग्रामीण है वो इकट्ठा हुए थे, आसपास के जो गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ नवीन कुमार सिटी तहलका गांव बुआना लाखू।